भाई दूज का त्योहार। भाई और बहन के प्यार का त्योहार। अटूट रिश्ते का त्योहार। मौका है भाई दूज का और ऐसे में अपने भाइयों संग ये त्योहार मना रही हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान की कजिन बहना कियारा का किरदार निभाने वाली शेरोन। भाई दूज के पावन पर्व पर बहने भाइयों को तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं और भाई बहन को देता है आशीर्वाद। साथ ही मिलते हैं बहना को गिफ्ट्स भी और इस पर्व के जरिए और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है भाई बहन का रिश्ता। भाई दूज का ये त्योहार शेरोन मना रही है अपने दो छोटे भाइयों के साथ। एक है उनका सगा भाई कुणाल तो दूसरा है उनका कजिन भाई आर्यन। भाई दोनों से ही ये बेहद प्यार करती है। दोनों ही शेरोन से छोटे हैं लेकिन मस्ती भरपूर है। तो आइए सीधा चलते हैं शेरोन के घर मनाने ये त्योहार। सो हाई माई सेल्फ शेरोन वर्मा, मेरा नाम शेरोन वर्मा है। नमस्ते एवरीबॉडी। मेरा एक छोटा भाई है, आई थिंक आप लोग जानते होंगे उसे, कि बहुत बार ऐसे कई बार पोस्ट करा है, और उसका नाम है कुणाल वर्मा जो मेरा रियल भाई है। प्लीज़ ब्रदर, ये मेरी जान है। मतलब मेरे जीवन में ना माँ बाप सबसे पहले होते हैं डेफिनेटली है, बट मेरे लिए मेरा भाई सबसे पहले आता है, ये मेरी जान है। और मेरा एक कज़िन भाई है जो कि मेरे चाचा का लड़का है, उसका नाम है आर्यन। ऑफ कोर्स देखो व्हाट अ कोइंसिडेंट, मेरे शो में भी मेरे भाई का नाम आर्यन है और मेरे कज़िन भाई का भी नाम आर्यन है। आर्यन प्लीज़ आइए, ये मेरा कज़िन भाई है। इन दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, लाइक ये अक्टूबर में बॉर्न हुआ है और ये दिसंबर ना, हाँ दिसंबर में बॉर्न है। दोनों सेम एज के और दोनों मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं यार। मैंने छोटे भाई हो तो ऐसा आपको ऐसा लगता है यार मेरा बच्चा है तू। सया हमारा बॉन्ड भी बहुत प्यारा है। थू। देखो टाइम स्पेंड, जैसे मैंने कहा कि चीज़ें बदल जाती है लाइफ में, परिवर्तन ही जीवन है। बट ये दोनों ना बहुत ऑपोजिट है। मेरा जो सगा भाई है ये बहुत बोलता है, बहुत मस्ती खोर है और बड़ा चंचल है। एट द सेम टाइम ये बड़ा सीधा साधा भोला, बोलता ही नहीं है। मतलब आप इससे, हाँ आप इसे बोलने बोलो ये बोलेगा ही नहीं, चुप अभी भी ऐसे ऐसे से खड़ा है, शर्मा रहा है एकदम सा। मतलब ये तो ऑपोजिट है और ये तो पूरा ही ऑपोजिट है। बट ऑफकोर्स दोनों मेरे भाई है, दोनों से मेरा एक अपना अपना रिश्ता है। सो या दोनों भले अलग है बट मेरी तो जान है। एक्चुअली ये लाइक एक ऐसा रिश्ता है जिसको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते, इसीलिए गॉड फिल्मी है मेरा भाई। ये एक्चुअली मैं सबसे ज़्यादा प्यार मैं पूरे संसार में इसी से करता हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा है तू। अरिन तू भी बोल, प्यार व्यार करता है, नहीं करता है मुझसे? बहुत प्यार करता है गाइस मेरे से। देखो कितना शर्मिला है, बहुत शर्माता है बोलने। बट मैं तेरी फीलिंग समझती हूँ कि तू प्यार करता है बट तू बोल नहीं पाता, तू शर्मिला है। बट ऑफकोर्स सबके अपने अपने रिश्ते, बहुत इंट्रोवर्ट है ये। इनफैक्ट इसे मुझसे, हम लोग क्या होता है ना, हम लोग साल में एक बार वो घर से आता है, उसे मुझसे ही मिलने में 2-3 दिन लगता है, फिर वो तीसरे दिन मुझसे बात करना शुरू करता है। ये कार्टून है, बुरा तो नहीं लगा? जब अच्छे से बात करते तब तक छठवें दिन घर चला जाता है। तो भाई बातें तो बहुत हो गई, अब करते हैं रीति रिवाजों के साथ भाई दूज की पूजा जो कर रही हैं शेरोन अपने भाइयों संग। डेफिनेटली यार बहुत मजे आएंगे, हम ऐसे बचपन से कर ही रहे हैं, सबका अपना अपना वे है गिफ्ट देना ये देना। बट लेट्स सी अब हम सेलिब्रेट करते हैं, बहुत मजा आएगा आप सबके साथ। ओके सो अब हम पूजा आरती की तरफ बढ़ते हैं। एंड अब मैं ना थाली डेकोरेट करने वाली हूँ और मेरी ये भाई जो मुझे घर के कामों में कभी हेल्प नहीं करते बट इसमें ज़रूर करेंगे। सो करें
सो गाइस, काफ़ी मेहनत और परिश्रम के बाद हम आधा भाई दूज बना चुके, बट बहुत मज़ा आई है, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आई है। आई है नहीं आई? बहुत आई है। आई है नहीं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आई है। किटकैट खा लिया मेरे हिस्से का, ऑफकोर्स आएगी। ओके, सो आधा भाई दूज हमारा बन चुका है, बट ऑफकोर्स हर एक त्यौहार इंडिया में बिना डेकोरेशन के नहीं होता। लाइक घर की साफ़ सफाई से लेके घर का डेकोरेशन से लेके ईच एंड एवरीथिंग हम करते हैं। तो अब मैं कोई मेरे घर का प्यारा सा कॉर्नर चूज़ करके उसको अच्छे से डेकोरेट करूँगी, फूलों से, दिया से। और मेरे अंडर दो असिस्टेंट है, बोलो हो क्या? हो हूँ असिस्टेंट। ओके, तो क्योंकि ऐसे ना 10 बार उठने मुझे बहुत आलस आता है, मैं बहुत आलसी हूँ, तो मैं इन दोनों ये बोल रहा है पता है, ठीक है, तो मैं ये दोनों को एक एक सामान वामान जो लाने बोलूँगी ले आओगे? जितनी बार बोलूँगी, जो जो बोलूँगी लाओगे? लाओगे? तो मेरे दोनों भाई मुझे बहुत हेल्प करेंगे, करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि छोटे भाई है। तो ऑफकोर्स हम फिर डेकोरेट करेंगे एंड देन बहुत मज़ा आएगा। भाई दूज का त्यौहार तो मना लिया, लेकिन शेरोन जुट गई हैं अपने घर के कोने की सजावट करने में। ऐसे में देखिए, जब वो सजावट कर रही हैं तो उनके दोनों भाई उनके लिए ले आए हैं तोहफा, जिसे पाकर शेरोन हो गई है काफ़ी खुश। अगर आप लोगों को पता हो कि मुझे स्किन केयर कितना पसंद है और मेरे भाई ने मेरे लिए स्किन केयर लाई, ये तो सरप्राइज़ है, खैर ये बाद में खुला जाएगा, बट ऑफ कोर्स ये भी बहुत प्यारा ही होगा डेफिनेटली, बट यू गाइस नो स्किन केयर मुझे कितना पसंद है, आई जस्ट लव। मेरा तो विश है कि मैं कलेक्शन करूँ और ये मुझे तुझे कैसे पता मुझे स्किन केयर पसंद है, स्पेशली यही ब्रांड का? मतलब कबर्ट खोल के देख लोगे तो दिख जाता है ना। बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स। मतलब छोटे भाई ना कभी आपसे सीधा जवाब नहीं दे सकते, ये आज तक का इतिहास है। मतलब आप उनसे कुछ पूछो और वो उसे इतने क्रिएटिव इनोवेटिव वे में बोलेंगे, बट कभी सीधा जवाब नहीं देंगे। क्यों भाई हैं? तो मुझे भी नहीं पता। हाउ स्वीट। अच्छा ओके, मैं समझ गई भाई, तेरे को ये दोनों टेस्टर है, फ्री में मिलता है ना ये। हाउ स्वीट गाइस, आई रियली डिडंट न्यू, मुझे नहीं पता था इन लोग में, मैं जब शूट, क्योंकि मैं शूट कर रही थी दिन भर आज, एंड मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई लोग मेरे लिए गिफ्ट लाने वाले हैं, और उन लोग इतना सोचने भी वाले हैं मेरे लिए। मेरी मम्मा ने भी मेरे लिए इतना प्यारा सा ड्रेस ले आई है जो मैंने पहना है, मम्मा भी काम करती है, काम के साथ साथ उन्होंने इतना मैनेज करा मुझे सरप्राइज़ देने का। दिस इज़ ऑल वी वॉन्ट। लाइक मैं देखती हूँ काफ़ी स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं जो अपना घर छोड़ कर आते हैं अपना लाइफ बनाने, एंड विच इज़ रियली रियली अमेजिंग, जो मैं सोच नहीं सकती, बट आई एम ऑलवेज़ ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं आज जहाँ भी पहुँची हूँ, मैं मेरी फैमिली के साथ पहुँची हूँ। मेरे मॉम डैड, जब मैं घर आती हूँ, भले ही मुझे कुछ घंटे के लिए उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, बट मेरे मॉम डैड मुझे मेरे सामने दिखते हैं, एंड आई एम ऑलवेज़ ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं अपना एक्टिंग करियर, मेरा सपना भी पूरा है, पूरा हो रहा है, और ऑफकोर्स अ लॉट मोर टू डू, आगे बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत बहुत चीज़ें आएंगी, बट मेरी फैमिली मेरे साथ है, इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए और कोई है ही नहीं। आई स्वेयर, लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। थू अब तक की पूरी जर्नी में मेरी फैमिली मेरे साथ रही है, मेरे मॉम डैड भाई बहन एवरीबडी, और इससे बड़ी बात एक एक्टर के लिए हो ही नहीं, किसी के लिए नहीं हो सकती। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एन एक्टर, बट मैं यूजुअली देखती हूँ कितने लोग हैं जो अपना घर छोड़कर अपना करियर बनाने आते हैं, विच इज़ रियली ग्रेट, हैट्स ऑफ टू दोज पीपल, बट आई एम ऑलवेज थैंकफुल, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल कि मेरी फैमिली मेरे साथ हर एक स्टेप पे है। सो और इतनी प्यारे प्यारे सरप्राइजेस, मतलब दिस इज सच अ इमोशनल सेगमेंट, बट ऑफकोर्स मैं इसे कैमरा पे उतना नहीं एक्सप्रेस कर पाऊँगी, बिकॉज ऑफकोर्स कैमरा है, बट देन डीप डाउन ये बहुत इमोशनल सेगमेंट है मेरे लिए। इतना मेरे भाई सोच रहे हैं मेरे लिए, इट मीन्स अ लॉट। मेरी पूरी फैमिली, मम्मा मेरे लिए कुछ ना कुछ अरेंज कर रही है, भाई, दिस इज सो मच फॉर मी यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। सो क्योंकि अब मुझे गिफ्ट मिल गया है तो एनर्जी हो गई है डबल, तो हम करेंगे अब और भी डेकोरेशन, अपनी पूरी क्रिएटिविटी लगा देंगे हम इस डेकोरेशन में। क्यों? यस, पूरी क्रिएटिविटी लगा देंगे। ओह हाउ क्यूट, सो लेट्स स्टार्ट।
अब बहुत इमोशनल हो गए, बहुत लाड़ प्यार हो चुका है। और गिफ्ट देने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अब तुम लोग का काम आसान हो जाएगा, जो जो मैं बोलूँगी वो ले आना, क्योंकि डेकोरेशन बची है और क्योंकि गिफ्ट मिल गया है डबल एनर्जी, हम और जी जान लगा के मतलब पूरी क्रिएटिविटी दिखाऊंगी मैं, ऐसा नहीं मैं एकदम कमाल कर दूँ, बट हम डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। चलो जाओ फटाफट से फ्लावर्स लेके आओ, और वो थाली भी ले आओ, और वो दिए भी ले आओ, सारा कुछ ले आओ। एक और वो वाली थाली, फूल वाली। भाई गिफ्ट पाकर शेरोन काफी खुश है, लेकिन फिर से बैक टू डेकोरेशन। देखिए कैसे अपने दोनों भाइयों संग बना रही हैं फूलों की रंगोली और जला रही हैं दीप। क्या चाय पीने आए हो तुम लोग यहाँ पे? स्पीड बढ़ाओ। कर ही नहीं रहा मैं, क्या करूं मैंने के मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो एक भी नहीं थोड़ा है। लड़ने लग गए इन लोग, तुम लोग की पगार काटूंगी मैं, बाय गॉड। नहीं नहीं जल्दी करो यार, स्पीड बढ़ाओ, इधर होली आ जाएगी, जल्दी जल्दी। मारा मारी नहीं गाइस। सो फटाफट करो, क्योंकि देखो गाइस मैंने कितना सारा कर दिया। I am so talented, नजर उतारो मेरी, थू थू थू, by God। क्या नहीं किया बोलो, बेशर्मो तारीफ करो। wow, बहुत क्या अच्छा दिख रहा है। wow. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, वेरी गुड भाई, तुझे ना एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। तो फाइनली मेहनत रंग लाई, पसीने आ गए भाई। एक तो ये सारे काम ना आपको पंखे बंद करके करने पड़ते हैं, बिगेस्ट प्रॉब्लम, बट ठीक है, आदत है, करेंगे। मज़ा भी आ रही है। देखो जब आप ऐसी सारी चीज़ें करते हो जिससे आपको थोड़ी तकलीफ होती है, आपके कंफर्ट से बाहर होता है ना, वो आपकी सबसे बेस्ट मेमोरी होती है। तो अभी बहुत मज़ा आ रहा है, कितना अच्छा कर दिया भाई मैंने, लाइफ में कभी नहीं किया होगा, आज पहली बार किया। तो मैं भी देख रहा हूँ हमारी हेल्प से। हाँ महाराज, आपके बिना तो कुछ नहीं हो पाता, राइट? आई अग्री। एक्चुअली मेरे बिना कुछ नहीं हो पाता, ये तो पूरा टाइम बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था। फिर झगड़े, भाई दूज वाले दिन तुम लोग थोड़ा प्यार दिखा दो यार, नकली ही सही। ये प्यार ही प्यार है। अच्छा यही प्यार है, हाउ क्यूट। सो इतना तो मैंने कर दिया, अब मुझे लगता है ना थोड़ा मज़ा तब आएगा जब दिए लगेंगे और ऐसे अंधेरा सा हो जाएगा, थोड़ा सा लैम्प वैम्प वाले लगा देंगे तो बड़ा प्यारा दिखेगा, फिर थोड़ा से फोटो शूट करूँगी ऐसे लाइक ड्रीम रूप्स। ओके सो फाइनली आफ्टर लॉट्स ऑफ दिमाग वाला थकान हुआ है मुझे, मतलब समझते हो आप, ऐसे शरीर नहीं थका है, दिमाग थका है। तो बहुत दिमाग लगाने के बाद ये ओवरऑल हो चुका है, और ये भाई की तो शक्ल ही बनी हुई है। भाई तू जा थोड़ा पानी पी के आ जा, आज़ाद है तू भाई, तू जाएगा बाद में बात करी। दिमाग से बना आपने, है आपके पास मतलब? कर दी तूने वही बात, चुपचाप से जा, मेरा फोन लेकर आ। हाँ यस एग्जैक्टली, मेरे फोटोज की फोटोशूट ऐसे इंस्टाग्राम पे डालूंगी, लाइक कुछ तो डाल दूंगी, मतलब ड्रीमी समथिंग सॉर्ट ऑफ यू नो।
सो फाइनली मैंने दोनों भाइयों को भेज दिया है एंड अब मुझे मन कर रहा है थोड़ा सा मैजिक करने का, क्योंकि देखो आप कितने सज सवर जाओ, टचअप के बिना चीज़ें अधूरी रहती है। सो अब क्योंकि इतना सुंदर डेकोरेशन मैंने कर दिया है, प्लीज़ कह देना सुंदर है, बहुत मेहनत लगी है गाइज, आई लव यू सो मच। तो अब मुझे लग रहा है ना वो वाला मज़ा नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए, एंड आई थिंक कि थोड़ा सा जादू किया जाए। सो दिखा दिखा। जी हाँ, अब इतना अच्छा डेकोरेशन किया है और इतनी सजी धजी है शेरोन, तो ऐसे में फोटो शूट कराना तो बनता ही है। दीज क्यूटीज ना यार, कसम से मजे आ जाते हैं। सो थैंक यू सो मच कुणाल एंड आर्यन मेरा इतना हेल्प करने पूरे सेगमेंट में, अगर आप दोनों नहीं होते तो ये सेगमेंट नहीं हो पाता, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सेगमेंट है ये, हेल्प नहीं है, आपकी सेवा करनी है। क्यूट दिस इज। तो मैंने जैसा कहा भाई मेरी जान है यार, बस बात खत्म। देख कितना सुंदर लग रहा है, देख आज क्योंकि सास बहू और बेटियाँ ये पूरी दर्शकों की वजह से मैं आज इतना कुछ कर पा रही हूँ, इतना प्यारा सेगमेंट कर पा रही हूँ, एंड देन इतना एक्साइटिंग सा भाई दूज मतलब मैंने कभी नहीं बनाया जो कि मैं इस बार बना रही हूँ। सो थैंक यू सो मच सास बहू और बेटियाँ दर्शकों, आई लव यू ऑल सो मच, आई लव यू रियली, आई रियली लव यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। भाई अब जाते जाते अपने भाइयों संग शेरोन का एक डांस तो होना ही चाहिए, तभी तो होगा त्योहार पूरा। भाई हम तो यही कहेंगे कि बहन भाई मिलकर भाई दूज का ये त्योहार मनाइए, सास बहू और बेटियां की तरफ से आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो फिर चलिए भाई दूज के इस त्योहार में हम घोल देते हैं एंटरटेनमेंट के रंग। वैसे हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।